टाटा मोटर्स की पॉपुलर ईवी सेडान टिगोर ईवी को अभी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिले हैं, इंक्लूडिंग उसकी रेंज जो है वो भी बढ़ गई है, जबकि बैटरी पैक जो है और जो मोटर है उसमें कोई चेंज नहीं किया है। तो भैया ये कैसे किया है? दूसरी चीज, इसमें कुछ नए फीचर्स भी ऐड किए गए हैं जो कि पुराने वाले जो कस्टमर्स हैं, मतलब पुरानी टिगोर ईवी जिन्होंने खरीदी है उनको भी मिलेंगे, तो वो कैसे होगा, उन सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, खमागणी दिव्य सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वॉचिंग एस इन स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द अपडेटेड टाटा टिगोर ईवी। सो द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, की रेंज कैसे बड़ी है, क्योंकि जो पहले ARAI अप्रूव्ड जो रेंज थी वो 306 किलोमीटर की थी, अब उसे 315 कर दिया है। तो ये जो 9 किलोमीटर का इजाफा हुआ है वो कैसे हुआ है, क्योंकि जो बैटरी पैक है वो तो अभी भी 26 किलोवाट आर का है, जो मोटर है वो अभी भी 74 BHP की पावर देती है और 170 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क देती है, तो बढ़ाया कैसे है। बाय द वे, टाटा मोटर्स बीइंग द मार्केट लीडर इन द ईवी स्पेस, इनके पास में 50,000 कस्टमर्स का डेटा है, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा ये अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेच चुके हैं, तो एक बहुत बड़ा पूल है। इन शॉर्ट 600 मिलियन किलोमीटर्स का टोटल डेटा है, जिसमें इन्होंने क्लोजली ऑब्जर्व किया है कि लोगों का ड्राइविंग पैटर्न क्या है, सर्टेन कंडीशंस में सिचुएशंस वो कैसे चलाते हैं, कितना एक्सेलरेट करते हैं, किस टाइम पे कितना यूज़ हो रहा है बैटरी का, उन सबको स्टडी करके इन्होंने अपनी बैटरी को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया है, जिसकी वजह से ये सब अपडेट जो हैं, मतलब थ्रू सॉफ्टवेयर ही ऑफकोर्स, ये सब जो अपडेट हैं वो इसे मिल पाए हैं और इसकी जो रेंज है वो बड़ी है। साथ में मल्टी मोड रीजन ब्रेकिंग भी इसे मिली है। अब मल्टी मोड रीजन ब्रेकिंग, अगर आपने EVs के बारे में सुना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में सुना है, तो आपको पता होगा कि रीजन ब्रेकिंग क्या होती है। जब भी आप गाड़ी को ब्रेक करोगे या डी एक्सेलरेट करोगे, कहने का मतलब अगर आप एक्सेलरेटर से पाँव हटाओगे या ब्रेकिंग करोगे, तो आपकी बैटरी जो है वो थोड़ी सी चार्ज होना शुरू हो जाती है, तो वो वाला फीचर भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया है। उससे ये हुआ है कि मान लीजिए अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंडीशन वाली सिचुएशन में आप चलाते हो, जहाँ पर आपको बार बार ब्रेक दबाना पड़ता है या एक्सेलरेटर से पाँव हटाना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, जिसकी वजह से अगैन जो रेंज है वो बढ़ेगी, क्योंकि बैटरी जो है वो हल्की सी चार्ज हो रही है, थोड़ी बहुत चार्ज हो रही है, जिससे कि आपकी बैटरी की रेंज ओवरऑल जो टॉपअप है उसे वो मिल जाएगा। इसकी वजह से 306 से 315 किलोमीटर इसकी रेंज हो गई है। उसके अलावा कुछ और फीचर्स जो हैं वो एज स्टैंडर्ड कर दिए हैं, मतलब जो रीजन ब्रेकिंग है वो तो है ही है, साथ में ITPMS जो है वो भी आपको मिल गया है। अब TPMS अगर आप ट्रेडिशनल सेंस में देखोगे तो एक सेंसर लगा होता है जो टायर में देखता है कि भैया किस टायर में कितनी हवा है, एग्जैक्ट आपको बता देता है, बट ITPMS टेक्निकली आप एग्जिस्टिंग जो हार्डवेयर है उसी को यूज़ करके थोड़ा स्मार्टली, कहने का मतलब आपका जो स्पीड सेंसर है और जो ABS है वो आपका देखेगा कि जो मास रोटेशन है टायर की उसको ऑब्जर्व करता है, उसे गेज करता है, जिससे आपको पता पड़ जाता है कि किसी टायर में हवा कम है, तो ये भी टेक्निकली सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हुआ है। नंबर 3, स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी अब आपको मिल गई है। तो ये जो तीनों अपडेट्स हैं ये बेसिकली सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं। एक चौथा भी अपडेट दिया गया है जो कि एज स्टैंडर्ड सभी वेरिएंट्स में मिलेगा, वो है पंक्चर रिपेयर किट, जो कि पहले नहीं मिलती थी। मतलब अगर आप एकदम बेस वेरिएंट भी ले रहे हो नई टिगोर का, तो आपको ये चारों चीजें मिलेंगी, और अगर आप पुराने कस्टमर हैं जिन्होंने XZ+ या XZ+ डुअल टोन वाला वेरिएंट लिया है, तो भी आप ये अपडेट्स ले सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली 20 दिसंबर का वेट करना है और जो नियरेस्ट ऑथोराइज टाटा का सर्विस स्टेशन है वहां जाना है, वो सॉफ्टवेयर की मदद से मतलब अपडेट कर देंगे आपके सॉफ्टवेयर को, और ये जो 3 सॉफ्टवेयर रिलेटेड फीचर्स है वो भी मिल जाएंगे, प्लस पंचर रिपेयर किट जो है वो भी आपको मुफ्त में मिल जाएगी। सारे अपडेट्स के लिए कोई भी पैसा आपका नहीं लग रहा है। उसके बाद में कुछ वेरिएंट रीशफल भी इन्होंने किया है। जो पहले XM वेरिएंट आता था उसे बंद कर दिया है, उसको रिप्लेस किया है XT वेरिएंट ने। अभी जो XT वेरिएंट है और XM वेरिएंट है, दोनों के प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब एग्जैक्ट सेम प्राइस पे आते हैं, बट फीचर्स में डिफरेंस है। फीचर्स में क्या है, आपको 7-inch की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलती है, जो कि एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों को सपोर्ट करती है। साथ में जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं वो भी मिल गए हैं, अगेन एट नो एडिशनल कॉस्ट, एग्जैक्ट सेम प्राइस पे आपको मिल रहा है। फिर उसके ऊपर XZ+ जो है वो सेम रहा है वेरिएंट, बट उसमें भी फीचर्स ऐड कर दिए हैं, और यहाँ पे काफी बड़े फीचर्स ऐड किए हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक हेडलैम्प आपको मिल गई है, क्रूज कंट्रोल जो है वो आपको मिल गया है, रेन सेंसिंग वाइपर जो है वो भी आपको मिल गया है। तो 3 फीचर्स, बड़े फीचर्स आपको मिल गए हैं, अगेन एट नो एडिशनल कॉस्ट। अब टॉप एंड वेरिएंट जो पहले XZ+ DT बोलते थे, ड्यूअल टोन बोलते थे, उसे बंद कर दिया है, उसे रिप्लेस किया है
XZ Plus Lux वेरिएंट ने। अब ये Lux क्या है? Lux को लग्जरी से ये लोग एसोसिएट करते हैं, और वो कैसे हुआ है? बेसिकली आपका जो इंटीरियर है वो और ज़्यादा प्लश हो गया है। कैसे हुआ है? लेदर अपहोल्स्ट्री आपको दे दी गई है, मतलब लेदर सीट्स आपको मिलेंगी, प्लस स्टीयरिंग जो है आपकी उसे भी अब लेदर रैप कर दिया है। ओवरऑल एक प्रीमियम एक्सपीरियंस, ज़्यादा प्लश एक्सपीरियंस देने की इन्होंने कोशिश की। फील है ओवरऑल वो ज़्यादा अपमार्केट हो गई है और कम्फर्ट फोकस्ड हो गई है। तो ये कुछ चेंजेस किए हैं। और ये जो टॉप एंड वेरिएंट है, इसकी कीमत हालांकि 10,000 रुपये बढ़ाई गई है, बट उस 10,000 में एक्चुअली आपको काफ़ी कुछ मिल गया है। सो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड डील, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर, या इनफैक्ट जो तीन वेरियंट्स उनमें तो प्राइस चेंज ही नहीं हुई है, उसके बाद भी एडिशनल फीचर्स हैं। तो इन शॉर्ट मुद्दे की बात यह है कि सारे वेरियंट्स जो हैं वो फीचर लोडेड हो गए हैं और ज़्यादा बेटर वैल्यू प्रोपोजिशन आपको ऑफर करते हैं बिकॉज ऑफ द न्यू फीचर्स। और इससे पहले कि हम वीडियो का अंत करें, आपको बता दूं कि एक नया कलर भी इंट्रोड्यूस हुआ है, मैग्नेटिक रेड कलर इसे बोला गया है, जो कि एक्चुअली देखने में अच्छा लग रहा है, थोड़ा मरून टाइप है, इट्स नॉट लाइक योर फ्लैशी रेड, बट इट लुक्स रियली नाइस। XZ Plus Lux अगर आप ले रहे हो तो आपको पियानो ब्लैक फिनिश जो रूफ होती है, मतलब ग्लॉसी ब्लैक आपको मिलेगा, जो कि कॉन्ट्रास्ट में मिलकर एक अच्छा लुक इस गाड़ी को देने में मदद करेगा। और जो पुराने कलर्स थे, मतलब सिग्नेचर टील ब्लू और डेटोना ग्रे था, वो अभी भी बरकरार है। तो अगर आपको ये नया कलर नहीं लेना है, वही कलर ज़्यादा पसंद है, तो वो भी आप ले सकते हो। तो ये कुछ बदलाव किए हैं और मेरे हिसाब से काफ़ी सिग्निफिकेंट बदलाव किए हैं फॉर जस्ट एन अपडेट। हाँ, कई चीज़ें सॉफ्टवेयर रिलेटेड हुई हैं चेंजेस, जो कि आपकी पुरानी गाड़ी को भी कुछ ऐसे फीचर्स दे सकती है जिससे कि आपकी रेंज भी बढ़ेगी, प्लस ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो बेहतर होगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। और अगर इस वीडियो में अभी भी मैं कुछ भूल रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन है जो आप जिसका आंसर आपको चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी उसका जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।